नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं एक बार इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आज जो मैं इन्फॉर्मेशन बताने जा रहा हूँ बहुत ही क्रिशियल इन्फॉर्मेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बच्चों के कमेंट आए हैं कल से कि क्या जो रेडियो ऑपरेटर का फॉर्म आया है जिसमें प्रधान परिचालक का जो पद है हेड ऑपरेटर का, उसमें क्या बीटेक वाले, बीसीए वाले या बीएससी सीएसआईटी वाले ये फॉर्म फिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, बहुत सारे कमेंट आए थे, इसलिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। तो सभी लोग एक बार इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, और जो बच्चे नए हैं, अहर्ता दिया गया है आपका शैक्षिक अहर्ता उसे आप देख लो। इसमें जो बोला गया है ये बोला है भारत के विधि द्वारा स्थापित, ठीक है, इस पर गौर करना, विधि द्वारा स्थापित बोर्ड से इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी, इंस्ट्रूमेंटेशंस टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 वर्ष डिप्लोमा का कोर्स। ये भी ध्यान रखना कि 3 वर्ष तो मिनिमम आपको चाहिए ही चाहिए। कोई ये कहे कि सर मैंने पीजीडीसीए किया है तो क्या मैं फॉर्म भर सकता हूं, कि नहीं भैया, 1 साल का कोई भी कोर्स, चाहे वो डीसीए हो, चाहे एडीसीए हो, चाहे आप ओ लेवल किए हो, तो उसका कोई मतलब नहीं है। 1 साल का नहीं, मिनिमम 3 साल का कोर्स आपका होना चाहिए, वो भी जो ट्रेड दिया गया उसके अंतर्गत, ठीक है, 3 साल का कोर्स होना चाहिए। तो डिप्लोमा कोर्स अथवा सरकार द्वारा, यहां पर लिखा ना, उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई भी परीक्षा उत्तीर्ण की हो, ठीक है। तो 3 वर्ष का कोई भी डिप्लोमा जो इन पर्टिकुलर ट्रेड से है आपका, वो खासकर किससे होना चाहिए, एआईसीटीसी, ठीक है, एआईसीटीसी या यूजीसी अप्रूव्ड कोई भी संस्था, चाहे आप यूनिवर्सिटी से करो, चाहे किसी इंजीनियरिंग कॉलेज जो एआईसीटीसी अप्रूव्ड होता है, ठीक है, टेक्निकल, उससे आप किए हो तो वो आपका, जितने भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक होते हैं वो एआईसीटीसी होते हैं, तो उसके लिए निश्चिंत रहो, पॉलिटेक्निक आपने किया है इन डेफिनेट ट्रेड से तो आप एलिजिबल हो। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं कि बीटेक और बीएससी सीएसआईटी भी एलिजिबल होंगे, यहां पर ट्रेड है एक कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, इसको ध्यान रखना मेरी बात को, क्योंकि जो एएसआई के लिए समकक्ष अहर्ता आया था आप लोगों ने, ओ लेवल पे मैं बात कर रहा हूं, तो उसमें बताया गया था कि जो बीसीए किया है, क्योंकि ओ लेवल 1 साल का कोर्स है, बीसीए 3 साल का है, बोलता है कि जो ये बीसीए है वो 3 साल का कोर्स है, 1 साल से ज्यादा है, मतलब ये ओ लेवल से ऊपर का कोर्स है, तो जाहिर सी बात है वो उसके समकक्ष तो होगा ही होगा, ठीक है, उसके ऊपर का कोर्स मान्य होता है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। जो नई इनकी एलिजिबल आया है एक तरह से इक्विवेलेंट वाला, तो जो ऊपर के कोर्सेज हैं वो हमेशा क्या होते हैं, आपके मान्य होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पर अगर मैं कंप्यूटर साइंस और टेक्नोलॉजी की बात करूं तो यहां बीटेक वाले, ये ध्यान रखो, बीटेक अगर आपने किया है वो इतने ट्रेड से, इलेक्ट्रॉनिक्स से, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, ठीक है, आपका कंप्यूटर साइंस है, आईटी है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, ये सभी कंप्यूटर बीटेक सीएस आईटी ईसीई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, ये सभी क्या है, इस फॉर्म को भर सकते हैं प्रधान परिचालक वाला, ठीक है। सीएस आईटी, ये आपका सीएस चलता